धमतरी जिले में संचालित 6 निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने पत्रकारिता वार्ता लेकर शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आक्रोश जताया। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी से जल्द स्कूलों की विभागीय ऑडिट कराने की मांग की। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने धमतरी में संचालित निजी स्कूलों की मनमानी और अवैध हो रही फीस वसूली के खिलाफ आक्रोश जताया है। इस दौरान पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान और जिला अध्यक्ष सादिक रजा, मुस्तफा रजा, अनीता मुलवानी आदि मौजूद रहे। मुझे लगता था कि ये जो है देश की शिक्षा व्यवस्था, जब मैंने शिक्षा संहिता पढ़ी 2010 के पहले, देश जो शिक्षा विभाग जो शिक्षा चलती थी, हमारे देश का स्कूल चलता था वो शिक्षा संहिता से चलता था। तो शिक्षा संहिता में पहले नियम चलता था, फिर अधिनियम बनाया, क्योंकि नियम के बाद अधिनियम इसलिए बनाना पड़ा सरकार को कि उनको लग रहा था। इस दौरान समस्त पत्रकारों को जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि धमतरी जिले के 6 निजी स्कूलों पर शिक्षा के नाम पर मनमानी फीस वसूली जा रही है। साथ ही संघ की ओर से इन 6 स्कूलों द्वारा वर्ष 2024-25 में की गई फीस वृद्धि पर रोक लगाकर इन स्कूलों की विभागीय ऑडिट कराने की मांग की जा रही है और इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन द्वारा मनमानी फीस पर अंकुश लगाने के लिए कानून तो बना दिया गया है, लेकिन निजी स्कूलों में इसका पालन नहीं हो रहा है। स्कूल संचालक फीस वृद्धि कर अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल संचालकों पर शिक्षा का व्यापार बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी मौजूद है। तो इतना बड़ा कानून है जो देश की संसद ने पास किया है, शिक्षा जो फंडामेंटल राइट है जिससे देश का विकास होना है, क्योंकि एजुकेशन के बगैर तो व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। क्योंकि चूंकि शिक्षा जो है हमारा फंडामेंटल राइट है और देश की संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून है उसको शिक्षा के अधिकार अधिनियम कहते हैं हम लोग। पत्रकारों से चर्चा करते हुए संघ के सदस्यों ने यह भी बताया कि निजी स्कूल संचालक स्वयं ऑडिट कराकर रिपोर्ट जिला शिक्षा विभाग को सौंपते हैं, जबकि जिला शिक्षा विभाग को स्कूलों का ऑडिट स्वयं कराना चाहिए। उन्होंने जिले के 6 निजी स्कूलों में अध्ययनरत सभी छात्रों की कक्षावार संख्या और प्रतिवर्ष ली जाने वाली सभी फीस, विद्यालय में होने वाले सभी खर्च की विभागीय ऑडिट कराकर लाभ कमाने वाले स्कूलों के खिलाफ अधिनियम की धारा 13 के तहत पालकों से वसूली गई लाभ की रकम को कैपिटेशन शुल्क मानते हुए रकम का 10 गुना जुर्माना करने की मांग की है। और उसके साथ ये भी कहा है कि मामले में यदि जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ आगामी दिनों में प्रदेश भर में पालकों के साथ मिलकर आंदोलन करेगा। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी। हमारे यहाँ धमतरी जिला अध्यक्ष सादिक जी ने एक सूचना दी मुझे कि यहाँ पर एक बच्ची के द्वारा कक्षा नवीं के छात्र के द्वारा स्कूल परिसर में ही सुसाइड किया गया है, तो जिसके कारण आज हमको आकस्मिक दौरा करना पड़ा। तो इस मामले में सबसे पहले हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए मामले का संज्ञान लेने के लिए और उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस मामले का शिक्षा विभाग भी जाँच कर रहा है और पालक संघ भी अपने स्तर पर जाँच कर रहा है। पालक संघ जो है पीड़ित परिवार से मिलेगा और मामले की गंभीरता को देखते हुए उस मामले के एक एक बिंदुओं पर जाँच करेगा। उसके अलावा साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी से जिन 6 स्कूलों के खिलाफ पालक संघ के द्वारा शिकायत की गई थी उस पर भी क्या कार्रवाई हो रही है, जांच कहां तक पहुंची है, इस मामले में भी जानकारी ली गई। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग स्कूल संचालक जो है वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, जिस पर पालक संघ ने उनको शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धाराओं को पढ़ाया और मान्यता की शर्तों को बताया कि जो स्कूल जो है किसी भी तरीके के निरीक्षण को या किसी भी तरीके की जांच को सपोर्ट नहीं करते शिक्षा विभाग के, उनके खिलाफ तत्काल मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाए, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में मान्यता की यही शर्त है। तो इन मामलों को लेकर जानकारी उनसे ली गई है। उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय और मांगा है जांच के लिए, 15 दिवस के भीतर अगर जांच नहीं कंप्लीट होती है, 15 दिवस के भीतर अगर जांच इनके खिलाफ स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं शुरू होती है तो निश्चित तौर पे पालक संघ को धमतरी जिले के स्कूलों की फीस को रुकवाना पड़ेगा और ये हमारे लिए बहुत ही छोटी बात है। हम स्कूलों की फीस रुकवा देंगे, फिर जो अव्यवस्था पैदा होगी उसके लिए शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा विभाग जवाबदार होगा। प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी आए हुए थे, हम लोग शिक्षा अधिकारी के पास आए थे पुराने पूर्व में की गई शिकायत की जानकारी लेने। शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा है कि हमने फिर से स्कूल को आदेश जारी किया है जानकारी पूर्ण देने बाबत।
15 दिन का उन्होंने समय मांगा है। अगर शिक्षा विभाग हमारा सहयोग नहीं करता है, जांच नहीं करवाता है, तो छात्र पालक संघ उग्र आंदोलन करेगा, स्कूलों की फीस रुकवाएगा, जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग की होगी। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।